इटावा हवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टकारूपुरा में नवनिर्मित चौकी यमुना घाट टकरू का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार एवं उनकी पत्नी नीलम वर्मा द्वारा थाना लवेदी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टकारूपुरा में नवनिर्मित चौकी यमुना घाट टकरू का श्रीमती नीलम वर्मा द्वारा रिबन काट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नवनिर्मित चौकी पर उद्घाटन स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा व जागरूकता हेतु चलाए जा रहे 15 दिवसीय महिला सुरक्षा विशेष अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनिर्मित चौकी यमुना घाट टकरू में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए स्मृति स्वरूप वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी बरतना क्षेत्राधिकारी चक्रनगर एवं प्रभारी निरीक्षक थान लवेदी प्रभारी निरीक्षक थाना चक्रनगर व अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि इसमें महिलाओं से संबंधित जागरूकता के लिए इसको क्या करने जी बिल्कुल आज लवेदी थाना के अंतर्गत इस चौकी का इनॉग्रेशन हम ही लोगों के द्वारा हुआ है और हमने रिबन काट के पूजा करा के इसका उद्घाटन किया है। और इस चौकी पे तमाम महिलाएं बुलाई गई थी आसपास के गाँव से, उनको जागरूक करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कुछ सवाल भी पूछे, उनको काफ़ी कुछ बताया भी, पैम्फलेट भी बांटे और उनको ये समझाया कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1090 पे कॉल करें, आप 112 पे मिलने जाके और हमारे महिला कांस्टेबल महिला एसओ किसी से भी आप बेझिझक बात कर सकती हैं, आप जा सकती हैं, आप अपने आप को बढ़ावा दीजिए और निसंकोच जाइए। कुछ भी आप डरने की जरूरत नहीं है पुलिस से, पुलिस आपकी मित्र है, आपकी सहायता हमेशा करेगी। और काफ़ी कुछ उन्हें बताया, उन्हें गिफ्ट भी दिया, फिर उनको खाना भी खिलाया। हमें ये बहुत दिन से हमारे पूर्व एसओ विश्वनाथ मिश्रा और गणेश जो वर्तमान थाना अध्यक्ष हैं यहाँ के नवेदी के, दोनों ने मिल करके सीओ वर्धना एसपीआरए और पूरी उसकी टीम इंस्पेक्टर चक्रनगर सीओ चक्रनगर सभी जो सर्किल के आसपास के थाने के लोग थे उसमें जन सहयोग से मैं तो पब्लिक को भी बधाई दूंगा, यहाँ के लोकल प्रधान को बधाई दूंगा, लोगों को धन्यवाद दूंगा, आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि ये चौकी जो है जनहित में बनाई गई है और जन सहयोग से बनाई गई है। और इस चौकी के बनने के उपलक्ष्य में मैंने ये भी कहा है कि शासन के निर्देशों के क्रम में जो मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है उसके मद्देनजर इस शुभ समय में जो कि पखवाड़े का कार्यक्रम भी चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मिशन शक्ति जो महिलाओं को के शक्ति के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, महिलाओं पर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, उसकी हेल्पलाइन क्या है, क्या कैसे कैसे महिलाएँ जो है आगे बढ़ करके अपनी अधिकारों को ले सकती हैं, अपने किसी कंप्लेन करना है कैसे कंप्लेन कर सकती हैं। महिला सिपाहियों के माध्यम से बीट बनाई गई है, 129 बीट है पूरे जनपद इटावा में, उसमें लवेदी थाने पर जो बीट बनाई गई है उसमें महिलाएं जाती हैं, चौपाल लगाती हैं गांव में, पंचायत भवन में बैठती हैं, सरकार की पॉलिसीज बताती हैं। आपने देखा होगा अभी पंपलेट हमने बांटा है मिशन शक्ति का, उसके मद्देनज़र यही आज इस चौकी का शुभ समय में महिला के माध्यम से अधिकारियों की पत्नियाँ और तमाम महिला प्रधान यहाँ पर आई हुई थी जिसके माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है। और मैं समझता हूँ महिलाओं का जहाँ जहाँ उनका पैर पड़ जाता है वो जगह शुभ हो जाती है और पहला जो शुभ दिन था उन्हीं के माध्यम से पूजा भी कराई गई है ताकि ये चौकी जो है पूरे ऐश्वर्य के साथ पूरे वैभव के साथ कार्य करे। और यहाँ के जो पुलिस बल नियुक्त किया गया है मेरे द्वारा आज चौकी में, जो मैंने चौकी इंचार्ज है संजय कुमार अभी टेम्प्रेरी रूप से नियुक्त भी कर दिया है तथा दो सिपाही भी लगा दिया, होमगार्ड भी लगा दिया है ताकि इसमें ताला ना बंद हो और अच्छा कार्य करें और लोगों के सहयोग के लिए कार्य करें, जन की जन समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करें और एक अच्छा कार्य करते हुए नाम रोशन करें। धन्यवाद।